नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्या बर्थवाल द न्यूज बुक में आप सभी का स्वागत भी कर रहा हूँ और साथ में आज एक बार फिर से एक कहानी और एक किस्सा लेकर आया हूँ। एक सच्चा किस्सा कहानी है एक कौवे की और सच्चा किस्सा है एक सिर कटे मुर्गे का जो सिर कटने के 1.5 साल तक जिंदा रहा और उसके बाद उसकी याद में आज हर साल एक फेस्ट का आयोजन किया जाता है। लेकिन उस कौवे को जिसकी आदतें अमूमन हर दूसरे शख्स की आदतों में देखने को मिलती हैं या कभी ना कभी हम उन आदतों से गुजर रहे होते हैं, उस अनुभव से गुजर रहे होते हैं, उस तैयारी से गुजर रहे होते हैं, उसका जिक्र है। पहले कहानी। दरअसल एक कौवा रोजाना अपने खाने की तलाश में घंटों तक इंतजार करता, दिन भर तलाशता रहता, थकता, लेकिन उसके बावजूद उसे कुछ ठीक से शिकार और खाना मिल नहीं पाता था। लेकिन वो देखता था कि ऊंची चोटी पर एक गरुड़ बैठता है, काफी देर तक घंटों बैठता है, शिकार को निहारता है, फिर तेजी से उस चोटी से नीचे उतरता है, चट्टानों के पास घुसता है, चट्टानों से अपने शिकार को पकड़ता है और अपने साथ उड़ा कर ले जाता है और आराम से बैठकर अपने घोंसले में उस शिकार को खाता है और रोजाना की दिनचर्या गरुड़ की ऐसी है। कौवे ने उसे देखा, कौवे का माथा ठनक गया। उसने कहा कि अगर गरुड़ ऐसा कर सकता है तो फिर मैं क्यों ऐसा नहीं कर सकता। जाहिर तौर पर बड़ा आसान है, ऊंचाई से आना है, शिकार पर झपट्टा मारना है, शिकार को पकड़ के अपने घोंसले में ले जाकर आराम से खाना है। ऐसा सोचकर इस आत्मविश्वास के साथ कि मैं ये काम कर सकता हूं, कौवे ने भी ये सब करने की ठान ली। अगले दिन वो भी पूरी तैयारी के साथ एक ऊंची चट्टान पर जाकर बैठा। उसके बाद उसने देखा कि एक शिकार है, काफी ऊंचाई पर था, नीचे उसे भेड़ नजर आई। उसे लगा कि शायद उस भेड़ को उठा लेगा। गरुड़ की तरह उसने पूरी वैसी ही गरुड़ की नकल की, पहले ऊंचाई पर गया, फिर वहां से अपने दोनों पंखों को उसने खुद से समेटा और बहुत स्पीड के साथ वो चोटी से नीचे उतरा। लेकिन हवा तेज थी, अपना बैलेंस बना नहीं पाया, थोड़ा सा डगमगाया, चट्टानों से टकरा गया, चोंच टूट गई, पंजे खराब हो गए, बुरी तरह से घायल हुआ। नतीजा ये निकला कि शिकार तक कौवा पहुंच नहीं पाया और उससे पहले ही कौवे ने दम तोड़ दिया। लेकिन कौवे के साथ दरअसल ऐसा हुआ क्यों? कहानी के सार को जब हम समझते हैं तो समझ में आता है कि कौवे ने यह तो समझा कि जो गरुड़ कर रहा है वो भी वैसा कर सकता है, लेकिन उसने दो जगह उसने गलती कर दी। ना तो उसने अपनी क्षमता को समझा, ना ही उसने गरुड़ की तरह कोई अभ्यास किया। दोनों की गरुड़ और कौवे दोनों की क्षमताएं अलग हैं, दोनों का अभ्यास अलग है, दोनों के शरीर की बनावट अलग है, वजन अलग है, तो उन चीजों को ना समझते हुए किसी काम को बहुत आसान सा दिखने वाला समझकर तुरंत उस काम में कूद गए। अमूमन ऐसी गलतियां बहुत सारे लोग कर जाते हैं क्योंकि ऐसा लगता है कि जो काम बहुत सरल दिख रहा है वो बहुत आसान है। लेकिन आप यकीन मानिए, आजमाइएगा कि जीवन में या हमारे आसपास इर्द गिर्द जो चीज सबसे ज्यादा सरल नजर आ रही हो सबसे ज्यादा जटिल वही होती है। अगर आप लेखन के शौकीन हैं, जैसे कि पत्रकार होते हैं या लेखक होते हैं, तो सीधी सरल लाइनें लिखना ज्यादा मुश्किल होता है, सरल ही सबसे ज्यादा जटिल होता है। और चलिए आज एक किस्से की बात जो मैं कर रहा था, दरअसल एक कहानी है एक ऐसे मुर्गे की जो सिर कटने के 1.5 साल बाद तक जिंदा रहा और उसके बाद जो स्थिति बनी ये बिल्कुल सच्ची घटना है। दरअसल बात 10 सितंबर 1945 की है और इस मुर्गे को मिरेकल माइक के नाम से जाना जाता है। ये बिल्कुल सच्ची घटना है, अमेरिका की घटना है ये, और कोलोराडो के फ्रूटा में एक किसान था लॉयड ऑल्सेन, अपनी पत्नी के साथ रहता था। एक दिन अपने फार्म पर गया, मुर्गों को काट रहा था, अचानक से उसने एक और मुर्गे को पकड़ा, उसकी गर्दन काटी, लेकिन जो मुर्गा था वो छटपटा रहा था। उसे लगा कि शायद मुर्गा मर जाएगा, तो उसने उस मुर्गे को उठाकर एक मुर्गे को बक्से में बंद कर दिया। लेकिन अगले दिन जब उठे और वापस उसने चेक किया तो देखा कि वो मुर्गा जिंदा था। उसके बाद ये जो बात थी ये इलाके में फैल गई और इलाके में फैली तो सब लोग उस सिर कटे मुर्गे को देखने आने लगे। अब उसको किस तरीके से खिलाया जाने लगा, उसके देखने पर टिकट लगा दी गई, उसे सर्कस में पेश किया गया। स्थिति कुछ इस तरीके से बदली कि ऑल्सेन जो किसान था जिसका वो मुर्गा था उसने टिकट लगाया सर्कस में, उसने मुर्गे को पेश किया। स्थिति कुछ इस तरीके से बनी कि उस सिर कटे मुर्गे की वजह से ऑल्सेन और उसकी पत्नी की आर्थिक स्थिति में सुधार होता चला गया, लेकिन 1.5 साल बाद ही वो मुर्गा मर गया। दरअसल ये मुर्गे की पूरी कहानी आपको मिलेगी द न्यूज बुक में। लॉग इन कीजिए www.thenewsbook.com और इस पर आपको कुछ इसी तरह की कहानियां मिलेंगी जो वाकई में आश्चर्यचकित करती हैं, रोचक कहानियां हैं। और अगर आप ऐसी कहानियां देखना चाहते हैं तो द न्यूज बुक पर आप लॉग इन कीजिए और द न्यूज बुक के साथ जुड़िए। कहानियां पसंद आए तो
तो लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और उसे शेयर भी कीजिए। लेकिन इन दोनों कहानियों से एक बात को समझ में आता है कि किस्मत और मेहनत और अभ्यास के साथ साथ हमें अपनी क्षमताओं को भी समझना बेहद जरूरी है। फिर जुड़ूंगा आपसे एक नई कहानी के साथ। इजाजत।